हेलो दोस्तों, मैं गैलाजी सर एमवी के ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आरएसीटी की बुक्स। आरएसीटी के अंतर्गत जो एक सेंटर के द्वारा आपको बुक प्रदान की जाती है, जो कि आरकेसीएल के द्वारा एक मान्यता प्राप्त बुक है, वो आपको सेंटर में पढ़े जाते हैं। वर्तमान में कोरोना काल के तहत आरएसीटी कंप्यूटर सेंटर अभी बंद है, तब तक क्यों ना आपको आरएसीटी की बुक्स को ऑनलाइन पढ़ा दी जाए। इसी मकसद को लेकर मेरे द्वारा आरएसीटी जो बुक्स है उस पर कुछ क्लासेस तैयार की गई हैं और उस बुक्स को पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। चलिए, अभी तक हमने आरएसीटी बुक्स के अंतर्गत 3 क्लासेस पढ़ ली हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे यूज होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं देखते हैं। हम कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। मतलब कंप्यूटर के द्वारा अपने कई कार्य हम कंप्लीट कर सकते हैं। असल में सभी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती है। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो कौन करता है, किसके माध्यम से होती है? सॉफ्टवेयर के माध्यम से। आपके सामने एक कंप्यूटर पड़ा हुआ, सोचो अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो क्या वो आपके यूज का है? चलिए, कंप्यूटर को छोड़िए, आप अपने मोबाइल को लीजिए। अगर आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर उड़ गया है, यानी कि मोबाइल में से सॉफ्टवेयर सारे हट गए, तो आपका मोबाइल क्या हो जाएगा? एक तरह का हार्डवेयर बच जाएगा। जब तक उस हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर को नहीं रखा जाता है, तब तक वो आपके कोई काम का नहीं हो। उसी तरह से कंप्यूटर एक हार्डवेयर मशीन है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को फीड किया जाता है और सॉफ्टवेयर की मदद से ही कंप्यूटर चालू होता है। उस सॉफ्टवेयर को अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर के चलने के बाद उसके अंदर जो हम काम करते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर ऐप होते हैं ना, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपन क्या देख रहे थे, असल में सभी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती है, जो किसी एक सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क के अंदर सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है और वो प्रोसेसिंग होती है, तभी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब ये क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम का एक और नाम है। मतलब प्रोग्राम को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है? एक प्रोग्राम, जैसे अपन देखते हैं शादी का प्रोग्राम, शादियों के प्रोग्राम चल रहे हैं अभी, तो अपन देखते हैं एक शादी का प्रोग्राम है। ठीक है, तो उस प्रोग्राम में क्या होगा, सबसे पहले क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा, एक स्टेप बाय स्टेप सारे कार्य किए जाते हैं, तो वो एक शादी का प्रोग्राम हुआ। पिकनिक का प्रोग्राम, पिकनिक जाते हैं तो भी हम स्टेप बाय स्टेप सारे कार्य पहले सोचते हैं कि भाई सबसे पहले हम इतने बजे रवाना होंगे, वहां पे पहुंचेंगे, वहां लंच करेंगे, वहां ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे घूमने जाएंगे, वहां पे इतनी देर रुकेंगे, फिर ये प्रोग्राम अपन डिसाइड करके पिकनिक से कंप्लीट होके आते हैं। तो ये एक प्रोग्राम हो गया, पिकनिक का प्रोग्राम, शादी का प्रोग्राम। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, और उन प्रोग्राम का जो ग्रुप होता है ना, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्राम कैसे बनता है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का संग्रह है जो एक विशेष पर्पस के लिए लिखा गया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम का ग्रुप होता है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपन एक वर्ड को मान लेते हैं, एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के अंदर जो कार्य होते हैं ना, वो टाइपिंग से संबंधित होते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या, एक प्रोग्राम का ग्रुप है जो किसी स्पेशल कार्य के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया, एमएस वर्ड है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है वो टाइपिंग के पर्पस से तैयार किया गया है, तो ये स्पेशल कार्य के लिए तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है आपको अब मेरी टेक्निक धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आने लग गया होगा। मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, शायद अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह होता है। क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है।
अब इसको समझना पड़ेगा, ये एक फाइल है, ठीक है। तो इससे अपन क्या मान रहे, एक प्रोग्राम है। अब एक प्रोग्राम में क्या होते हैं, स्पेशल सेट ऑफ कमांड होते हैं। क्या होते हैं कमांड, ये लिखा होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कमांड का समूह, ठीक है। तो ये कमांड का जो समूह है इसे अपन क्या कहते हैं, एक प्रोग्राम कहते हैं। एक प्रोग्राम में क्या होता है, कमांड लिखे हुए होते हैं, तो कमांड का ग्रुप क्या बन गया, प्रोग्राम बन गया। और ये जो कमांड होते हैं ना, जो किसी विशेष भाषा में लिखा गया होता है। अब आपको पता है कंप्यूटर के अंदर तीन प्रकार की लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ये तीनों लैंग्वेज में आपको आगे डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो ये जो प्रोग्राम होता है ये इनमें से किसी एक लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, जिसके माध्यम से हम ये प्रोग्राम तैयार होता है। और ये जब प्रोग्राम रन होता है तो इससे अपन क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है। अब क्या है, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, जिस पर यूजर कार्य करता है, जो हमारे लिए काम के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के खुद के काम के होते हैं, अपने उसमें कोई रोल नहीं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे काम के होते हैं, जिसमें कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं होता, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज हम किस लिए करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों सॉफ्टवेयर के अपने अपने कार्य क्षेत्र है। अभी मैंने बता दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज कंप्यूटर करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब अपन क्या करेंगे, दोनों सॉफ्टवेयर में से एक को पहले पढ़ लेते हैं। आज की क्लास में अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्लियर कर लेंगे, कल देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। रिलैक्स होके पढ़ना है, समझ में आ रहा, ठीक है। तो बुक आपके पास होगी, उसको मार्किंग करते हुए देख लीजिएगा। इस बुक को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आरएसटी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसी बुक में से आते हैं। आपको लग रहा होगा ऐसे हाई लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं जो मेरे को समझ में नहीं आ, लेकिन ये सारे क्वेश्चन कैसे इस बुक में से आ रहे हैं। इस बुक को आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। आपको इसको विस्तार से समझाने के लिए ही मैंने ये वीडियो तैयार की है। चलिए अपन देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ज्यादातर अभी मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपको एक बार इसको वापस बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता यानी कि यूजर से सूचना का आदान प्रदान करता है, और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। मतलब समझे, ये है कंप्यूटर, यहाँ छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूं, ये है एक कंप्यूटर और ये हम है, ठीक है। ये हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूजर से सूचना का आदान प्रदान करता है। मतलब कंप्यूटर है और हम है, हमारे दोनों के बीच जो इंटरफेस होता है, मतलब एक कनेक्शन बनता है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर में हो रहा है, और कंप्यूटर जो उसका आउटपुट देता है वो हमें यूज का हो रहा है। ये इंटरफेस कौन करवाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करवाता है। इंटरफेस का मतलब आपको थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताता हूं। जैसे एक व्यक्ति है, उसको इंग्लिश आती है, दूसरा व्यक्ति है उसको हिंदी आती है, दोनों धीरे धीरे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन इसको हिंदी समझ में नहीं आती, इसको इंग्लिश समझ में नहीं आती। ये केवल एक दूसरे की कहीं मदद की होगी, जिस वजह से आपस में ये फ्रेंड बन चुके हैं। अब क्या हुआ, इन दोनों को आपस में बात करनी तो कैसे करेंगे, सोचो कैसे करेंगे। यस, एक तीसरे आदमी को अपने साथ में रखेंगे, जो क्या जानता है, हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है। वो तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, इन दोनों को यानी इस इंग्लिश को सुनकर हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, और हिंदी को सुनकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेगा। ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि जीरो और वन को समझती है। इसके पास दो अक्षर है, जीरो और वन, इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ नहीं आता है। मशीन लैंग्वेज कहते हैं जिसे,
ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम सुना होगा, आगे इस बुक में अगर आएगा मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। अब कंप्यूटर केवल दो वर्ड समझता है, और अपने पास कितनी ही तरह की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, है ना। अब हमारे द्वारा जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं ना, उसको कंप्यूटर किससे समझता है? बीच में होता है ट्रांसलेटर, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर चलते हैं और उसकी वजह से कंप्यूटर क्या होता है, मशीनों को समझा सकता है। तो उसकी वजह से कंप्यूटर हैंडल होता है। अपन माउस का पॉइंटर घुमा रहे, अपने लिए तो क्या क्या पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस चल रहा है, क्लिक हो रहा है, बन रहा है, लेकिन कंप्यूटर को ये सारी चीजें समझाने के लिए, मशीन को समझाने के लिए क्या हो रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा योगदान है। इसको बनाने वाले कितनी मेहनत कर रहे होंगे, सोचो आप कितनी प्रोग्रामिंग होती होगी। पहले जब कंप्यूटर बनते थे ना, जब कंप्यूटर को चलाया जाता था, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए ये लिखा जाता 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0। अब इसका मतलब मुझे भी नहीं समझ में, आपको भी नहीं समझ में, लेकिन कंप्यूटर को समझ में आ गया। अब कंप्यूटर को वापस समझ में आने के बाद उसने वापस आंसर दिया, तो 0 1 1 0 0 1, ये उसने ये आंसर दिया। अब ये हमें समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी कंप्यूटर को बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, उसका यूज किया है। पहले कंप्यूटर जब यूज होते थे तो 0 1 लैंग्वेज में ही समझते थे, पूरे प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में ही लिखी जाती थी। मशीन लैंग्वेज जो होती थी ना, वो 0 1 को ही समझती थी। अब सोचो, आप सोचते होंगे यार कंप्यूटर का निर्माण तो कब का हुआ, हमारे काम अब आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही मेहनत है। आज भी लोग रेगुलर प्रोग्रामिंग करते हैं, आपने देखा वो गूगल पर रोज होम पेज बदलता रहता है, कंप्यूटर के अंदर नए नए सॉफ्टवेयर, नई नई एप्लीकेशन आ रही है, मोबाइल के अंदर आप एप्स देखते हो, ये सब के पीछे बहुत बड़ी मेहनत लग रही है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आपको भी आगे जाके आपने ऐसे ही सॉफ्टवेयर डिजाइन करने हैं जो आपको लगे कि यार ये मैंने बनाया, ठीक है। चलिए अपन आते हैं वापस बुक के अंदर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर से सूचना का आदान प्रदान करता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूजर कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों इंटरनल रिसोर्स का प्रबंधन करने में मदद करता है। मतलब कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, जिसमें जैसे कंप्यूटर के साथ क्या क्या लगा हुआ है, इधर सीपीयू पड़ा हुआ है, यहाँ कीबोर्ड पड़े हुए हैं, यहाँ माउस पड़ा हुआ है, सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, उसके अंदर प्रोसेसर चल रहा है, ये सारी जो चीजें हैं ना, उसको मैनेजमेंट कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधन मतलब इंटरनल रिसोर्स का मैनेजमेंट करने में मदद करता है, कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सोचो आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, एक ब्लैक स्क्रीन आती है जिसके अंदर कुछ अक्षर लिखे हुए होते हैं और वो ऊपर चलते रहते हैं, यानी उस समय क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, हार्ड डिस्क पे पड़े हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर की फाइलें उठकर रैम के अंदर आती है और कंप्यूटर की मेन स्क्रीन हमारे सामने आती है। तो कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करने के बाद जो हार्ड डिस्क की फाइलें उठकर रैम के माध्यम से हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सामने आता है, जिसमें एक ब्लैक स्क्रीन पे सारी लाइनें व्हाइट अक्षर में लिखी हुई ऊपर निकलती है और फिर एक होम स्क्रीन डेस्कटॉप आता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग। बूटिंग के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर का पावर स्विच ऑन करने के बाद और कंप्यूटर के मेन स्क्रीन डेस्कटॉप आने के बीच के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है उसे बूटिंग कहा जाता है। इस बूटिंग के अंदर हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई सिस्टम सॉफ्टवेयर की सारी फाइलें उठकर इंटरनल मेमोरी में आ जाती है और तब तक रहती है जब तक कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर के ऑफ होते ही सारी फाइलें हट जाती है, फिर से कंप्यूटर चालू करेंगे और ये सारी फाइलें वापस उठ के इसी तरह से आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन ज्यादा विस्तार से समझाऊंगा, आप बोर हो जाओगे और अपना मोबाइल बंद करके कुछ और देखने लग जाओगे। हमारा मकसद है आपको इजी वे में समझाना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है। क्या नहीं है? एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि कई प्रोग्राम का एक संग्रह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, केवल एक प्रोग्राम नहीं, जैसे एमएस वर्ड एक प्रोग्राम है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम नहीं, उसके अंदर कई प्रोग्राम चल रहे हैं। कोई कीबोर्ड को हैंडल कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर माउस को हैंडल कर रहा है, कोई मेमोरी को हैंडल कर रहा है, कोई ये देख रहा है कि कंप्यूटर के अंदर सारे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
कंप्यूटर के अंदर रोम कौन सी लगी हुई है ना, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, या ऐसा तो नहीं किसी ने कंप्यूटर के अंदर से बायोस निकाल लिया हो, कीबोर्ड बराबर काम नहीं कर रहा होगा। कई बार आपने देखा होगा जब भी कीबोर्ड काम नहीं करता तो आपके ब्लैक स्क्रीन पे ही एक मैसेज आ जाता है कीबोर्ड नॉट वर्किंग, बायोस इज नॉट वर्किंग। तो ये सारा कार्य मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आपकी कंप्यूटर में लगी हुई रैम को अगर किसी ने निकाल भी लिया तो आपको मैसेज दे देगा भाई आपकी कंप्यूटर में से रैम निकल चुकी है और अब ये रैम रही। आप इसको देखने के लिए कुछ मत कीजिए, आपके डेस्कटॉप पे एक कंप्यूटर का सिंबल बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए, वहां आपको पता चल जाएगा आपकी कंप्यूटर के साथ क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक कंपोनेंट निम्न प्रकार हैं। इन कंपोनेंट को मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आप ध्यान से जरूर देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य आपको क्लास को विस्तार रूप से समझाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन CPU मेमोरी इनपुट और आउटपुट आदि का मैनेजमेंट और कंप्यूटर प्रोग्राम के काम और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका दूसरा नाम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी पढ़ रहे थे अपन उसी को दूसरा नाम क्या दे दिया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर लगे हुए हैं जितने भी उनको मैनेजमेंट करता है, सॉफ्टवेयर जो भी चलते हैं उनका मैनेजमेंट करता है, CPU को देखता है, मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, इनपुट यूनिट कैसे काम कर रही नहीं कर रही उसको चेक करता है, आउटपुट यूनिट बराबर चल रही नहीं चल रही उसको चेक करता है, तो इन सबका मैनेजमेंट करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उसको व्यवस्थित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कंप्यूटर और यूजर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि एक व्यक्ति जिसको इंग्लिश आती है और एक व्यक्ति को केवल हिंदी आती, तो इन दोनों को आपस में समझाने के लिए क्या करता है, एक तीसरा व्यक्ति होता है। उसी तरह से कंप्यूटर 01 की लैंग्वेज समझता, दूसरा यूजर, हम कई प्रकार की लैंग्वेज जानते हैं, इन दोनों के बीच इंटरफेस कौन करता था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो यूजर से प्राप्त कमांड को मशीन लैंग्वेज में बदल के मशीन को समझाता और मशीन से प्राप्त कमांड को यूजर लैंग्वेज में बदल के हमें समझाता है। ठीक है, विंडोज OS कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना उसमें विंडोज का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लिनक्स और यूनिक्स ये भी दो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज, यूनिक्स और लिनक्स, तो आपको ध्यान रखना है चौथा ऑप्शन होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ये तीनों तो सही है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है और यूनिक्स भी है, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं या कोई और MS वर्ड दे दिया है तो उसको आपको टिक कर लेना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें से दो नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है। कुछ विशेष प्रकार की एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, किसको, लिनक्स और यूनिक्स को। ठीक है, वे कई प्रकार के होते हैं जैसे एम्बेडेड, वितरण, डिस्ट्रीब्यूटेड और रियल टाइम, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जिसमें करेक्शन किया जा सकता है, जैसे लिनक्स होता है ये फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप खुद अपनी लैंग्वेज में कोई भी काम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। यूनिक्स तो फिक्स है, इसके अंदर सारा काम कीबोर्ड के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये आपके पास मिल जाएंगे, रियल टाइम होते हैं, ये सारी चीजें इसमें होती है। आगे क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गया, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है जिसका दूसरा नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और विभिन्न यूटिलिटी प्रोग्राम की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती हैं। अब अपन को समझना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है। यूटिलिटी जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंट, क्या है, डिस्क डिफ्रेगमेंट, और एक होता है डिस्क क्लीनअप, यहां नहीं लिखा हुआ है उसका नाम, डिस्क क्लीनअप। ये दो ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की फाइलों को व्यवस्थित करते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है जो क्या करता है, जैसे अपनी हार्ड डिस्क है,
ऐसे मान लेता मन ये अपने हार्ड डिस्क से। तो इसमें क्या ये फाइलें पड़ी हुई है, अगर इनमें से एक भी फाइल कोई हट जाती है तो यहाँ पे जगह खाली हो जाती है, तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करता है उन बाकी की फाइलों को आगे खिसका देता है और खाली स्पेस को पीछे दे देता है, ताकि अपन क्या कर सकते हैं और फाइलें यहाँ पे बना सकते हैं, नई नई फाइलों को ला सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, माना कि फिर से एक फाइल किसी ने यहाँ से डिलीट कर दी है, तो इन फाइलों को वापस आगे खिसकाने का काम कौन करता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, जो क्या करता है अवांछनीय फाइलों को हटाने और डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोगी बनाता है। अब अवांछित फाइल कौन हटाता है, डिस्क क्लीनअप, ये क्या करता है अवांछित फाइल जो अपने काम की नहीं होती उसको कंप्यूटर से हटाने के काम आता है। आपके मोबाइल में भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है आपके मोबाइल में पड़ी हुई अवांछित फाइल, कंप्यूटर के अंदर भी कुछ फाइल ऐसी होती जो इंटरनेट चलाते समय अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है, तो उसको हटाने का काम डिस्क क्लीनअप करता है। आगे देखते हैं इसमें, इस सुविधा के द्वारा हम डिस्क स्पेस को व्यवस्थित कर सकते हैं, मतलब अगर ये स्पेस व्यवस्थित रही, हार्ड डिस्क बराबर खाली रहेगी और इससे अपना कंप्यूटर स्पीड से काम करता रहेगा। अगला है डिवाइस ड्राइवर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है जो क्या करता है, जैसे लैन एक डिवाइस ड्राइवर है, तो ये एक तरह से विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। माउस ड्राइवर भी होता है, कीबोर्ड के ड्राइवर भी होते हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर ड्राइवर भी होते हैं, है ना। तो ये सारे क्या है ड्राइवर वो नहीं जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर का मतलब क्या है जो अपने सिस्टम को चलाते हैं। प्रिंटर अगर आपके कंप्यूटर में साथ आपने जोड़ रखा है लेकिन उसका सॉफ्टवेयर ड्राइवर आपने अगर अपने कंप्यूटर में नहीं डाल रखा है तो आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट। अगला पॉइंट क्या है सर्वर, सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को रन करने की जरूरत होती है। मतलब क्या है एक मेन कंप्यूटर है जिसे अपन क्या कहते हैं सर्वर, और उसके साथ कई कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, क्या है छोटे छोटे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो ये तो हो गए क्लाइंट और ये होता है सर्वर। तो इनके सबके द्वारा अपने अपने कमांड दिए जाते हैं, उनको पूरा करने का कार्य कौन करता है सर्वर करता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। आज की क्लास में इतना ही, कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, उम्मीद है आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा, अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास में एक घंटी का आइकन बना हुआ है नोटिफिकेशन आइकन जिसको ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।